मुबारकपुर रामगढ़ सड़क से स्थित विशाल पेपर मिल विच तड़के भयानक अग लग गई। इस कारण फैक्ट्री विच पिया करोड़ों रुपया का कच्चा माल सड़ के सुआह हो गया। भारतीय हवाई फौज ने अज पुलवामा आतंकवादी हमले का बदला लेंदया मकबूजा कश्मीर विच दाखिल होकर कई आतंकवादी ठिकाणियों तबाह कर दिता। भारतीय हवाई फौज ने पुलवामा आतंकवादी हमले का बदला लेंदया मकबूजा कश्मीर विच दाखिल होकर आतंकवादी ठिकाणियों तबाह कर दिता। भारत इस हमले तो बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद विच हंगामी बैठक बुलाई है, जिस विच सुरक्षा हिलातों का जायजा लिया जाएगा। भारतीय हवाई फौज वालों आज पाकिस्तान विच आतंकवादी ठिकाणियों ते कीते गए हमले तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। भारतीय हवाई फौज ने सारिया हवा रक्षा प्रणालियों को कमांतरी सरहद और कंट्रोल रेखा से हाई अलर्ट से कर दिया है, ताकि पाकिस्तानी हवाई फौज वालों किए जाने वाले किसी भी संभावी हमले का जवाब दिया जा सके। भारत वालों कंट्रोल रेखा पार करके मकबूजा कश्मीर विच आतंकवादी कैंपा से बमबारी की गई। इस कारण भारत के सरहदी इलाकों विच रहने वाले लोगों विच सहम का माहौल बनिया हुआ है। भारतीय हवाई फौज ने कंट्रोल रेखा नु पार करके मकबूजा कश्मीर विच कई आतंकवादी कैंपा से हमला किया। इस हमले विच कंट्रोल रेखा पार बलाकोट चकोटी और मुजफ्फराबाद विच आतंकवादी लॉन्च पैड नु तबाह कर दिया गया। केरल विच चेन्नई मंगलौर एक्सप्रेस के दो डब्बे अज पटड़ी तो उतर गए। जानकारी मुताबिक यह हादसा उस वेले वापरिया जो ट्रेन स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा विच होए अतवादी हमले का बदला लेंदया तड़के भारतीय फौज ने लड़ाकू जहाज मिराज 2000 के एक समूह ने पाकिस्तान विच कंट्रोल रेखा के पार कई आतंकवादी कैंपा से हमला किया। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने कंट्रोल रेखा नु पार करके मकबूजा कश्मीर च आतंकवादी ठिकाणियों ते कार्रवाई करने लई भारतीय हवाई फौज के पायलटों नु सलाम किया है।